फाइबर ऑप्टिकस केबल नंबर 2 नेटवर्क के अंदर गाइडेड मीडिया के अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिकस की। फाइबर ऑप्टिकस क्या है? ये भी डेटा ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है। कोक्सियल केबल के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी केबल है हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक केबल और है, उस केबल का नाम है फाइबर ऑप्टिकस। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिकस क्या करती है स्टूडेंट्स? जो फाइबर ऑप्टिकस होती है वो भी डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ये जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क करना है। आप अपनी बुक्स NCERT ले आइए और वहाँ से अपना ये नोट्स बनाइए आप। अब बात आती है कि केबल की बात करते हैं, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे बताना होगा। ये देखो इजी एक्सप्लेन है, आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब हम शुरू कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिकस के बारे में। फाइबर ऑप्टिकस में ऐसा क्या सिस्टम है जिसकी वजह से मतलब डेटा ट्रांसफ़र का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? फाइबर ऑप्टिकस रियल में बहुत सॉलिड केबल माना जाता है और इसके अंदर डेटा जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट बहुत तेज़ होता है। अब पहले हम फाइबर ऑप्टिकस के बारे में पूरा जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिकस कैसे बनी होती है। फाइबर ऑप्टिकस के अंदर हम पहले एक बना लेते हैं पूरा कि फाइबर ऑप्टिकस ये एक मतलब कांच से बनी होती है। कांच बोलते हैं ना, मतलब अंदर इसके अंदर क्या होता है, एक कांच होता है, मतलब ग्लास, इसके अंदर एक ग्लास होता है। ये इसके अंदर पूरा ये कांच है, ग्लास है, पूरा ग्लास है। इस ग्लास को क्या, ग्लास के जो यहाँ बिल्कुल जहाँ ख़त्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कोर बोलते हैं। अब इस ग्लास के ऊपर क्या, एक थोड़ा बहुत प्लास्टिक और इस ग्लास को मिक्स करके एक कवर बनाया जाता है इसके ऊपर स्टूडेंट। क्या बनाया जाता है, एक प्लास्टिक और ग्लास को मिक्स करके एक कवर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लाडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाडिंग स्टूडेंट। इसके ऊपर एक, आप देखो पहले पूरा क्या है, ग्लास और थोड़ा प्लास्टिक को थोड़ा सा मिक्स करके एक ऊपर का एक लेप बनाया जाता है, ऊपर एक कवर थोड़ा बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाडिंग। अब इसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक लगाया जाता है, पूरा बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, पूरा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का एक कवर होता है यहां पर। केबल के ऊपर पूरा कवर रहता है, पूरा कवर हो गया हमारी फाइबर ऑप्टिकस के ऊपर, कवर हो गया पूरा। इस कवर को क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं। अब बात आती है कि इसमें सिग्नल जो होता है वो ऐसे चलता है। प्लास्टिक के अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ जो इसके अंदर ग्लास लगाया गया, उस ग्लास के अंदर डेटा का जो सिग्नल है वो ऐसे चलता है। अब यहाँ से सिग्नल है तो इसके अंदर ये यहाँ बनेगा, फिर यहाँ। इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र का जो सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, वो इस तरीके चलेगा। अब बात आती है जो ग्लास होता है ना स्टूडेंट, उस ग्लास के अंदर क्या होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है। अब आपने इस केबल को तो एक्चुअल में आपने नहीं देखा होगा, बट इस केबल, ये केबल है कहाँ, इसके आपको कोई जगह आपको थोड़ा मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। आप कभी पुलिस स्टेशन के पास या इसके आसपास या कहीं बड़े गवर्नमेंट सेक्टर के आसपास कहीं देखना, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लिखा हुआ, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, या तो एक गवर्नमेंट सर्विस के आसपास मिलेगा, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया, आर्मी सेक्टर हो गया, BSF हो गया, इसके आसपास ये लिखा मिलता है OFC। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी वायर लगाना गलत है, कि यहाँ पर कोई भी और वायर नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के अंदर कौन सी वायर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। मतलब ये जो केबल होती है, ये स्टूडेंट देखो, और कोई केबल, जैसे हमने कोक्सियल केबल की बात की, उस केबल का आप राउंड भी कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा केबल होती है तो उसको आप क्या कर लेते हो, राउंड कर लेते हो। इस केबल को आप राउंड नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा राउंड नहीं कर सकते, इसको तो आप बहुत छोटा राउंड भी कर लोगे, ऐसे करके वायर को क्या कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, बट इसको नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने कुछ भी किया तो इसके अंदर क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फाइबर के अंदर स्टूडेंट क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसका ग्लास डिस्टर्बेंस हो जाएगा।
अब इसके अंदर तो क्या होता है, जो हमारी कोक्सियल केबल थी उसके अंदर तो एक वायर होती है कॉपर की, और उस कॉपर की वायर में क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। और कुछ इस वायर में भी वो लग जाते हैं, तो स्पीड जो मेंटेन उसके अंदर तो थोड़ा ये रहेगा। इसके अंदर तो ग्लास है, इसके अंदर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर तो ग्लास है, और उस ग्लास के अंदर सिग्नल बहुत तेज जाता है। सिंपल सी बात है कि हमारे हम यहाँ हों और हमारे सामने एक ग्लास हो, हम यहाँ हैं हमारे सामने एक ग्लास है, उस ग्लास में जब हम अपने आप को देखेंगे तो कितना, मतलब जैसे जस्ट हम सामने आते हैं तो हमारा डायग्राम उसके अंदर ग्लास के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से इस ग्लास के अंदर जब सिग्नल यहाँ आता है तो ये इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से यहाँ आया उतनी स्पीड से जस्ट यहाँ, मतलब हाई स्पीड, इससे भी हाई स्पीड, इससे भी हाई स्पीड आपको इसके अंदर मिलता है। मतलब अगर ये 10 Mbps स्पीड माने, एक हम सोच लेते हैं, अगर हम कोक्सियल केबल की, कोक्सियल जो हमारे पास कोक्सियल केबल है, अगर हम उसकी स्पीड हम स्टूडेंट कितना मानते हैं, 10 Mbps मानते हैं, तो इसकी स्पीड फिर आप 5000 Mbps होगी। मतलब ये इससे कोक्सियल केबल से इतना एडवांस रहेगी इसकी स्पीड। अब स्टूडेंट आपका ये होगा कि इसका यूज कहाँ होता है, क्या इंटरनेट में होता है, नेटवर्क में होता है, किन में होता है। आपको ये तो हो गया कि इसका यूज नेटवर्क में होता है, ये केबल भी नेटवर्क के लिए यूज की जाती है, तो हम अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात ये कि ये केबल के अंदर क्या होता है, एक कोर होता है, जहाँ पे एक केबल ख़त्म होती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक केबल ख़त्म हो रही है, तो इसके अंदर यहाँ जो ग्लास है वो ग्लास क्या होता है, कोर होता है। कोर के ऊपर एक लेप और रहेगा जो मिक्स रहेगा, ग्लास का और प्लास्टिक का जो क्लाडिंग लेप होता है, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेप होता है जो फुल प्लास्टिक का होता है, जो क्या बोलते हैं, जैकेट का होता है। अब हम कोक्सियल केबल की और इस केबल की एडवांटेज की बात करें तो दोनों की एडवांटेज अच्छी है, ये भी हाई लेवल का डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, ये केबल भी हाई लेवल का डेटा ट्रांसफ़र करती है। अब हम कोक्सियल केबल की अगर डिसएडवांटेज की बात करें और इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो स्टूडेंट दोनों की डिसएडवांटेज क्या होगी, आपको थोड़ा समझ में ये आया होगा कि एक का तो आपको फाइबर ऑप्टिक्स का तो थोड़ा पता लग गया होगा कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। इसकी डिसएडवांटेज, एक कोक्सियल केबल की डिसएडवांटेज अगर आपको बतानी हो तो आप क्या बताओगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, मान लो कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, अगर ये यहाँ से डिस्टर्बेंस हो जाए तो इस पूरी केबल को बदलना पड़ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम बात करें कोक्सियल केबल की, ये डिस्टर्बेंस हो जाए तो क्या होगा, यहाँ डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो इसको बदलना पड़ सकता है कंप्लीट को। इसके अंदर हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इस पे आते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा ये चल रहा था, यहाँ से केबल हमारी डिसकनेक्टेड हो गई। अब स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इसको ना यहाँ से जोड़ देंगे, वापस जोड़ देंगे, डेटा चल जाएगा, नहीं, जो कांच होता है या ग्लास होता है उसके बीच में एक बार ऐसा हो गया तो सिंपल बात है, यहाँ से ये सिग्नल का जो है वो जो इस तरह था वो अब इस तरीके से सिग्नल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, सिग्नल तो कोक्सियल केबल में भी है स्टूडेंट, यहाँ सिग्नल चल रहा है और यहाँ से केबल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, लेकिन कोक्सियल केबल का सिग्नल इस तरीके से भी चलता है। अब बात आती है इसका, जो जहाँ से ये केबल डिस्टर्बेंस है, अगर इसको जोड़ दिया जाए, यहाँ से जोड़ दिया जाए और ऊपर प्लास्टिक कर दिया जाए, तो सिंपल है कि ये वापस चलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें इसका कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता है, सिंपल बात। इसकी एडवांटेज ये है स्टूडेंट कि इसको कभी भी ग्राउंड के अंदर नहीं लगाया जाता। आपके घर में एक केबल होगी, इसको कभी ग्राउंड में नहीं लगाया जाता। अगर ग्राउंड में लगा दी और डिस्टर्बेंस हो गई तो इसको वापस बाहर निकालना पड़ेगा। और इस ऑप्टिकल की बात करें, ओ एफ सी, इसकी बात करें, ध्यान से सुना स्टूडेंट, इसकी बात करें तो सिंपल बात है कि इसको आप ओपन में नहीं लगा सकते, इसको ग्राउंड में लगाना पड़ेगा। क्योंकि ग्राउंड के अंदर इसको बढ़िया, मतलब अब स्टूडेंट होगा, क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट का कि ऊपर से लगा देंगे जैसे ग्राउंड में छोटा सा, नहीं, इसको काफ़ी ग्राउंड के अंदर काफ़ी नीचे तक, मान लो ये ग्राउंड है, इसको बहुत नीचे लगाया जाता है ग्राउंड में, बहुत नीचे, ताकि इसके ऊपर से जो व्हीकल जाएं, इसके ऊपर से जो व्हीकल जाएं, कोई भी व्हीकल है वो जाएं, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, इसलिए इसको ग्राउंड में बहुत नीचे लगाया जाता है। और यहाँ पर लिखा होता है ओ एफ सी, यहाँ पर ओ एफ सी केबल है कि यहाँ पर कोई अदर वायर ना लगाया जाए। स्टूडेंट आप इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ गए होंगे। अगर ये डिस्टर्बेंस हो गई तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको क्या ग्राउंड में सबसे ज़्यादा नीचे लगाया जाता है, इसको ग्राउंड में नहीं लगाया जाता। दोनों में इतना फ़र्क है। फिर हमने बात की थी दोनों केबल करती क्या हैं, दोनों केबल का काम डेटा ट्रांसफ़र करने का है। तो स्टूडेंट एक बार आप इसको एक बार अच्छे से और समझिए, या इसको बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं फाइबर ऑप्टिकस के बारे में कि फाइबर ऑप्टिकस क्या काम करती है। फाइबर ऑप्टिकस का यूज़ भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसके लिए किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर फाइबर ऑप्टिकस का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसकी स्पीड की बात करें आज के टाइम में, आज के टाइम में इसकी स्पीड की बात करें तो कम से कम 10 Mbps अभी मेंटेन की गई है। फॉर एग्जांपल BSNL डिपार्टमेंट से फाइबर ऑप्टिकस दिया जाता है, जो ये कहते हैं कि इसकी इसके अकॉर्डिंग अभी इतनी स्पीड 10 Mbps की स्पीड पे दिया जाता है बिल्कुल। और इसके लिए आपको क्या कनेक्शन करवाना होगा, फाइबर का कनेक्शन करवाना होगा। लेकिन बट अभी ये मतलब पब्लिक नेटवर्क के लिए ये केबल शुरू की गई है, पहले ये केबल ओनली फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए थी, पर अभी ये पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए भी फाइबर ऑप्टिकस कनेक्शन दिया जाता है। इसकी स्पीड की बात करें, मैंने आपको बताया है अगर हमारे पास 4G है तो 4G की बात करें तो सेम इसके 1 Mbps इतना ही रहेगा। बट फाइबर की बात करें, फाइबर जो कनेक्शन फाइबर का होगा तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड आपको कम से कम 10 Mbps पोर्टेड रहेगी। बट हाईएस्ट अभी जो स्पीड मान इसको करें तो 100 Mbps से 500 तक आ रही है। स्टूडेंट एक बार इसे नोट कीजिए, हाँ स्टूडेंट हम शुरू करते हैं कि अब इंटरनेट के लिए इस फाइबर ऑप्टिकस का यूज हो रहा है। मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज जो होता है वो कहाँ हो रहा है, क्या इसका यूज किस तरीके से किया जा रहा है, इसका यूज ग्राउंड के अंदर
किया जाता है, मतलब इस केबल को कहाँ लगाया जाता है, ग्राउंड में लगाया जाता है। अगर ये केबल ग्राउंड में रहेगी तो सिंपल सी बात है कि ये केबल है और इसका सिग्नल किस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से होता रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ। अगर इस केबल के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया, मान लेते हैं इस केबल में डिस्टर्बेंस हो गया तो सिग्नल इसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बातें हमने कर ली है। और इसकी अगर स्पीड की बात करें, अगर कोक्सियल केबल की हम बात करें, कोक्सियल केबल को अगर हम काफ़ी दूर तक ले जाएं तो उसके सिग्नल के अंदर फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर हम फाइबर ऑप्टिकस की बात करें, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर सिग्नल कभी वीक नहीं होता है, क्योंकि ये किससे बनी होती है, ग्लास से बनी होती है। इसके कारण इसके अंदर स्टूडेंट क्या नहीं होता, सिग्नल वीक नहीं होता। और हाँ, इसके एक ये सारी इसकी एडवांटेज में आ गया, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। और साथ में दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो मेंटेन खर्चा है वो ज़्यादा है, और डिस्टर्बेंस हो जाए तो कंप्लीट को ही चेंज करवाने का जो मेंटेन है वो ज़्यादा है। तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिकस हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ स्टूडेंट, देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल स्टूडेंट आपने देखी हुई केबल है, ये सिल्डर्ड और अनसिल्डर्ड दोनों टाइप से आती है, पर दोनों का वर्क जो रहता है वो सेम ही रहता है। अलग अलग माइक सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके से ये केबल यूज होती है। और ये किससे बनी होती है, ये कॉपर से बनी होती है। और इस केबल को कौन सी कंपनी ने बनाया था, देखो अदर केबल में कंपनी का नेम नहीं है, बट इसके अंदर कंपनी का नेम है। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इस केबल को बनाया गया। इस केबल का काम क्या रहा, इस केबल का काम ये रहा कि आज के टाइम में जैसे हम बात करते हैं कि आपके आप टीवी देखते हैं, टीवी जो है उसके ऊपर जो रिसीवर है, इनके ऊपर जो आउटपुट बनाने का काम है, यहाँ पर रिसीवर है, इस रिसीवर के अंदर यहाँ से एक केबल लगाई जाती है जो डिस्प्ले बनाती है। ये कम से कम आपने देखा होगा, ये तीन वायर होते हैं, रेड और एक येलो में एक वाइट कलर में, ठीक है। एक तो इनपुट का काम करती है और एक आउटपुट का काम करती है। इनपुट के अंदर क्या होगा कि डेटा जो भी इनपुट है वो यहाँ से जो भी इनपुट है वो रहेगा, और इसका आउटपुट बनाने का काम रहेगा। मतलब एक ऑडियो और एक वीडियो के लिए कि ऑडियो इनपुट होगा और वीडियो डिस्प्ले किया जाएगा, तो इन सब का काम कौन सी केबल करती है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल करती है, जो सिल्डर्ड और अनसिल्डर्ड दोनों होती है, STP और UTP, STP और UTP। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये केबल जब टीवी के लिए यूज होगी तो ये केबल जो रहेगी STP रहेगी, और जब ये टीवी के लिए यूज नहीं होती, माइक सिस्टम वगैरह के लिए यूज होती है, तो ये UTP केबल इसके अंदर लगाई जाती है। माइक चलाने के लिए या स्पीकर चलाने के लिए जो माइक में एंकरिंग करते हैं उनके पास भी ये केबल रहती है। इसके अंदर हमें जो याद रखने की बात है वो यही याद रखना है कि ये किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है, और इसके ऊपर क्या होता है, ये कॉपर से बनी हुई है, इसके अंदर कॉपर होता है और इसके ऊपर प्लास्टिक लेप होता है। इस केबल के ऊपर कौन सा कवर होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। और इसका वर्क क्या रहेगा, डेटा ट्रांसफ़र करने का रहेगा, मतलब जो रिसीवर से जो डेटा यहाँ तक आता है, डिस्प्ले जो बनता है वो कौन सी केबल से बनता है, ट्विस्टेड पेयर केबल से बनता है। हमारे पास कितनी केबल थी, हमारे पास कोक्सियल केबल थी, और हमारे पास फाइबर ऑप्टिकस थी, और हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल थी। अब देखो यहाँ पर हम इसको याद कैसे रखेंगे, CFT नेम से इसको हम याद रखेंगे, CFT मतलब कोक्सियल, फाइबर और ट्विस्टेड। अब इसकी बात करते हैं, इसको याद हम कैसे रखेंगे कि हमारे घर पर जो हम टीवी सिग्नल के लिए जो यूज होती है वो कौन सी केबल यूज होती है, कोक्सियल केबल यूज होती है। और यहाँ पर डिस्प्ले और ऑडियो और वीडियो सुनने के लिए कौन सी केबल को यूज करके हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज हम करते हैं। और यहाँ पर हम फाइबर ऑप्टिकस की बात करें, यहाँ पर इंटरनेट चलाने के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट चलाने के लिए हम कौन सी केबल लगा लेंगे, फाइबर ऑप्टिकस केबल लगा लेंगे। इन तीनों केबल का काम क्या हो गया, डेटा ट्रांसफ़र करने का काम
हो गया कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन केबल का यूज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आप नोट कर लोगे। हाँ स्टूडेंट, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इस केबल की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये केबल कहीं से भी डिस्टर्ब हो जाए तो एक तो ये बहुत जल्दी ख़राब होती है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये केबल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर पे तो कभी ये जो है यहाँ पर हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। स्टूडेंट ये आपका क्या किया हुआ, फिक्स किया हुआ है। बट जो इस केबल का यूज़ बार बार बदलने के लिए या बार बार इसको बदलते रहते हैं, जैसे आपने माइक की केबल देखी होगी, बार बार उसको बदलने से माइक की केबल बहुत जल्दी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मतलब इसको बार बार चेंजिंग करने से या बार बार इसको बदलने से ये केबल बहुत जल्दी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है या ख़राब हो जाती है। इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड, इस केबल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। कभी भी देखना जब ये यहाँ लगाई जाती है, इस केबल का साइज़ बहुत छोटा रखना होता है। ये केबल का साइज़ जितना लंबाई में रहेगा, जितना ज़्यादा इसको लंबाई में लगाया जाता है, उतना ही ये सिग्नल कम, इसका सिग्नल क्या होता है, वीक हो जाता है। मतलब अब हम बात करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। तो इसलिए इस केबल को बहुत ही क्या बनाया जाता है, साइज़ में जितना कम हो उसके, ओनली फोर फाइव मीटर तक इसको बनाया जाता है, इससे ज़्यादा इसको नहीं बनाया जाता, बहुत कम साइज़ का इसको बनाया जाता है। स्टूडेंट टीवी के लिए एसटीपी, माइक सिस्टम और इन सब के लिए क्या हो जाएगा, यूटीपी केबल हो जाएगा। तीनों केबल को मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया है। अब ये जो मैंने मीडिया कंप्लीट किया स्टूडेंट, ये कौन सा मीडिया होता है, ये गाइडेड मीडिया कंप्लीट क्या है, ये जो केबल सिस्टम का रहेगा वो कौन सा रहेगा, गाइडेड मीडिया आपका रहता है। कौन सा मीडिया रहेगा स्टूडेंट, गाइडेड मीडिया आपका रहेगा। गाइडेड मीडिया के अंदर कौन सी केबल हमने कर ली है, सीएफटी केबल हमने कर ली है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो केबल का यूज़ हमने किया है, कौन सी केबल, गाइडेड मीडिया के अंदर सीएफटी केबल का यूज़ हमने किया है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसको नोट करना है, होमवर्क करना है और नोट्स भी आपने बनाने हैं। आपको नोट्स बनाने के लिए अपनी बुक एनसीईआरटी आप ले लीजिए और वहाँ से नोट्स बनाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, इशू है, वो हमें बता सकता है और उस टॉपिक का आपको वीडियो बनाकर वापस। थैंक यू।